अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आए, बहुत सारी दुआएं आए, उन सबका दिल से थैंक यू कि मुझे इतनी सारी दुआओं में याद रखा। और बस मैं जल्द से जल्द फ्री हो जाऊँ अल्लाह के हुक्म से, खैरियत से, तो फिर मैं आप लोगों से वो न्यूज़ भी शेयर करूँगी। तो आजकल की मेरी रूटीन इसी तरह से है, सिकनेस कुछ है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी कि मैं कौन सी रेमेडी बनाऊँ जिस पे ज़्यादा वोट आए, वो है पिंपल्स की, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी कलर फेयर की। तो मैं जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है और जानना चाहते हैं मेरी इंस्टा आईडी कौन सी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। वहाँ मैं फीड पे देखती हूँ और अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। पिंपल्स इस वजह से हमारे फेस पे निकल आते हैं क्योंकि हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं। ओपन पोर्स होने की वजह से उसके फेस पे जो यहाँ और यहाँ ज़्यादातर, और नोज़ के साइड पे और नोज़ पे, क्योंकि हमारे पोर्स जो हैं ओपन हो जाते हैं। तो हमें उसका डेली रूटीन ख्याल रखना है। जिनकी ऑयली स्किन है वो ज़्यादा ख्याल रखें, और हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो हर चीज़ को हमें ले साथ लेके चलना है। जैसे हर रूटीन लेके चलता है, हमें वैसे लेके चलना है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रूटीन के साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। तो पहले आप लोगों को ये करना है कि अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करना है। फेस वॉश कौन सा यूज़ करना है? फेस वॉश हमें यूज़ करना है वो ये है, एक्नी क्लियर। जो हमारी नोज़ पे एक्नी आ जाती है और लिप्स पे भी एक्नी आ जाती है आउट लाइन पर, तो हमें इसके लिए यूज़ करना है डेली फेस वॉश। अगर आप टू टाइम यूज़ नहीं कर सकते तो डे में, यानी हमारे दिन में रूटीन में एक टाइम ज़रूर यूज़ करें, या तो सुबह में या तो रात में ज़रूर यूज़ करें। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये ऑयल कंट्रोल करता है, और मतलब ये ऑल टाइप स्किन के लिए ये बेस्ट है। ये बिल्कुल खाली हो चुका है, मैंने इसको पूरा यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है उस कंडीशन में मेरे पिंपल्स बहुत निकले हैं और मैंने अपनी स्किन का भी ख्याल रखा है। तो ये अभी कुछ बेहतर लग रही है, वरना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। तो ऑयल कंट्रोल करता है, हाईली मॉइस्चराइजिंग करता है, और सूटेबल फॉर एक्नी स्केयर, मतलब जो एक्नी स्केयर जो स्किन होती है उसके लिए बेस्ट है ये। और ये फेशियल फॉर्म में है, तो इसको आप ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं और शॉप पे भी बाय कर सकते हैं। फेस वॉश यूज़ करने के बाद हमें क्या करना है, हमें लेनी है क्लिनजिंग। वो कोई सी भी क्लिनजिंग हो सकती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे भी क्लिनजिंग कर सकते हैं, और आपके घर में कोई भी लोशन है उससे भी क्लिनजिंग कर सकते हैं। क्लिनजिंग का कोई इतना वो नहीं है कि आप कोई महंगी प्रोडक्ट लें। तो मैं जो क्लिनजिंग यूज़ करती हूँ वो है क्यूट प्लस की, जो कि 500 डाउन टू 500 में आप लोग ये बाय कर सकते हैं। मैंने माई चॉइस, हमारे नियर माई चॉइस से इसको बाय किया था, और इसके बेनिफिट बहुत हैं, और ये हर टाइप स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी क्यूट प्लस। इसका फेशियल भी होता है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ क्यूट प्लस की क्लिनजिंग बाय करी है। तो ये भी आधी हो गई है, और उसको यूज़ करते करते मैंने इसको आधा हाफ यूज़ कर लिया है। तो ये मेरी रिकमेंडेड है। तो दो हो गई, एक्नी के लिए फेस वॉश और क्लिनजिंग के लिए मैंने क्यूट प्लस, और बाकी अगर आप लोगों के पास एलोवेरा है तो एलोवेरा, अगर घर में पौधा है तो वो भी यूज़ कर लें, कोई इतना। लेट्स डू इट स्टार्ट। तो हमारे रेमेडी के कुछ ये इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट जो है मुल्तानी मिट्टी है, जो कि मैंने रात में भिगो दी थी, ठीक है। और सेकंड जो है लेमन, और थर्ड जो है रोज़ वाटर, ठीक है। और ये घर का रेडीमेड है, ये घर का बना हुआ है, होम मेड है। और ये जो है हल्दी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि हमें ये किस तरह यूज़ करना है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रात में आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने ये बड़ा वाला जो चमचा होता है, स्पून, जो खाने का चमचा जो होता है, वो हमने इसको ले लिया है, ठीक है ना, एक चमचा। और इसमें जो हम जो है इसके दो ड्रॉप्स ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और ये डर्ट वगैरह को बहुत जल्दी से रिमूव कर देता है। तो लेकिन जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो वन ड्रॉप ऐड करें। मुल्तानी मिट्टी है उसकी क्वान्टिटी है 1 बिग टेबल स्पून, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और थोड़ा सा रोज़ वाटर, और जो हाफ जो है लेमन, ठीक है। डन हो गया, हम इसको मैश करेंगे अच्छी तरीके से। और जो हनी, जिनके पास हनी अवेलेबल हो वो हनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जिनकी स्किन अगर ड्राई है वो हनी ऐड कर सकते हैं।
ये लेमन स्किप कर दें और हनी ऐड कर लें। तो लेट्स डू इट, अब स्टार्ट के हमें किस तरह हमें उस पर अप्लाई। तो आप लोग जो देख सकते हैं कि मेरे पिंपल्स जो है वो चिक्स पे ही, अमूमन चिक्स पे ही पिंपल्स आते हैं और यहाँ पे ब्लैक हेड्स और नोज़ पे भी ब्लैक हेड्स आते हैं। तो हमें जो लेना है वो हम उसको या तो ब्रश की मदद से इसको हम टैप टैप करेंगे इस तरह, रगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रगड़ना। और जो सेंसिटिव स्किन है वो तो प्लीज़ को ना बिल्कुल भी नहीं रगड़ें, और हमें टैप टैप कर देना। और जहाँ जहाँ आप लोगों को लगता है कि आपकी स्किन पे है जैसे ब्लैक हेड्स है वहाँ पे भी आप लोग उसको लगा लें। और ये मार्क जो है जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाए तो ड्राई हो जाए तो हमें इसको वॉश कर लेना है। तो अब हम मिलते हैं इसके ड्राई होने के बाद, ठीक है। जब तक मैं अब आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगी और मैं स्क्रीन जो कर रही हूँ वो ऑफ। अब मैं फेस जो है वॉश करके आ चुकी हूँ जो हमारी रेमेडी हमने, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पर कितनी रेडनेस थी, तो अब वो बहुत कम हो चुकी है, बिल्कुल देखें ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसको 3 दिन तक इसको अप्लाई करूँगी इस रेमेडी को, तो ये रिमूव हो जाएगी। तो हमें जो लास्ट स्टेप जो है वो क्या करना है, वो हमें कोई अच्छा सा मास्क यूज़ करना है। मेरे पास जो है वो रेडीमेड है ये मास्क, लेकिन ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, ये फेशियल का मड मास्क। एक आपके घर में जो भी फेशियल हो उसका मड मास्क यूज़ कर लें। फर्स्ट स्टेप जो है वो है फेस वॉश, सेकंड स्टेप जो है क्लिनजिंग, थर्ड स्टेप जो है हमारी रेमेडी, और फोर्थ जो है कोई सा भी हमें मड मास्क यूज़ करना है, ठीक है, जो कि पूरे फेस पे यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब भी आपके एक्ने हो, पिंपल हो, उसे नोचे नहीं, उसे कुछ भी नहीं करें, नहीं तो वो निशान छोड़ जाएगा और साथ में अपने अपने न्यू फ्रेंड्स भी लेके आ जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने आप अपनी केयर करें, रूटीन केयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकअल्लाह हाफिज़।